सोचिए कोई आपको दोनों टांगों के बीच में से आरी का यूज करके काटना शुरू कर दे तो आपको कैसा लगेगा। अब आप बोलोगे गौरव भाई ये कैसा सवाल है, ऑब्वियसली हमको दर्द होगा और ब्लड लॉस होने की वजह से हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन क्या आपको ये सजा थोड़ी सी कम पेनफुल लग रही है? तो चलो इसको थोड़ा सा और ज्यादा दर्दनाक बनाते हैं। सोचो जिस भी इंसान को टांगों के बीच में से काटा जाना है अगर उसको उल्टा लटका दिया जाए तो बहुत सारा खून बहने के बाद भी वो मरेगा नहीं, क्योंकि भैया वो तो उल्टा लटका हुआ है और ब्लड उसके ब्रेन में जा रहा है। और इस वजह से ये सजा और ज्यादा दर्दनाक बन जाएगी, क्योंकि जिस भी इंसान को ये सजा मिलने वाली है वो बहुत ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहेगा और खुद को ये सजा मिलते हुए देखेगा। और ये सजा एंशियंट टाइम में एक्चुअली में दी जाती थी और इसका नाम था डेथ बाय सॉइंग। सुनकर ही कितना क्रेजी लगता है ना कि पुराने जमाने के लोग क्या क्या करते रहते थे। लेकिन सजा देने के मामले में जो उनकी क्रिएटिविटी थी ना, ये वाली सजा उस क्रिएटिविटी का केवल एक ट्रेलर है। और समझ ही गए होंगे कि भैया आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ऐसी ही अतरंगी और दर्दनाक सजाएं जो एंशियंट टाइम में क्रिमिनल्स को दी जाती थी। एनीवे इस टॉपिक पर मैं ऑलरेडी पार्ट वन बना चुका हूँ जिसे YouTube ने हटा दिया था क्योंकि भैया वो वीडियो बहुत ही ज्यादा डेंजर था। मतलब उसमें ऐसी ऐसी चीजें दिखा दी थी ना जो YouTube से हजम नहीं हुई। अब देखते हैं कि भैया YouTube इस वीडियो का क्या हाल करता है। Anyway, अगर ये वीडियो डिलीट नहीं हुआ और आपने इसे देख लिया ना तो उसके बाद आप शुक्र मनाओगे कि आप मॉडर्न जमाने में जी रहे हो। तो जल्दी से अपनी चप्पलें पहन लो क्योंकि हम चलने वाले हैं एंशियंट एरा में आज के फाड़ू वीडियो में। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि इतनी क्रूअल सजाएं दी क्यों जाती थी। ये सजाएं बेसिकली लोगों के मन में डर बैठाने के लिए दी जाती थी ताकि क्रिमिनल का बुरा हाल होते हुए देखकर पब्लिक में से कोई भी फिर कोई क्राइम करने की हिम्मत ना करे। लेकिन इस चक्कर में भैया जिसको सजा दी जा रही होती थी ना उसका बड़ा बुरा हाल हो जाता था। जो मैंने आपको इंट्रो में सजा बताई थी वो सजा तो कुछ भी नहीं थी। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ दिमाग घुमा देने वाली, मतलब आपका दिमाग फोड़ देने वाली सजा। इसका नाम है द हेड क्रशर और ये बेसिकली एक टॉर्चर डिवाइस है। ये एक मेटल की पूरी डिवाइस होती है जिसपे बिठाया जाता है कैदी को या फिर अपराधी को। उसके बाद उसके सिर को ऊपर और नीचे से उस डिवाइस में लॉक कर दिया जाता है। अब यहाँ पर भैया इस डिवाइस का प्रेशर एक नॉब के द्वारा धीरे 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 बढ़ाया जाता है जिससे इस डिवाइस के बीच में रखा हुआ सिर प्रेशर की वजह से दबने लगता है और उसके बाद उस क्रिमिनल को जिसको ये सजा दी जा रही है उसको एक्सट्रीम पेन होता है। लेकिन ये सजा यहाँ पर नहीं रुकती, सजा देने वाले प्रेशर बढ़ाते चले जाते हैं और वो तब तक नहीं रुकते जब तक कि उस क्रिमिनल की खोपड़ी फूट ना जाए तरबूज की तरह। उसका जबड़ा टूट जाता है, दांत निकल जाते हैं, खोपड़ी से आंखें बाहर आ जाती हैं। सोचकर ही डर लग रहा है। लेकिन पुराने जमाने में लोग केवल खोपड़ियां नहीं खोलते थे, इंसान के शरीर के बहुत सारे छेदों को भी खोल दिया जाता था। और इसी दर्दनाक काम के लिए एक टॉर्चर डिवाइस भी बनाई गई थी फ्रांस में और इस डिवाइस का नाम था द चोक पियर, जिसको पियर ऑफ एंग्विश के नाम से भी जाना जाता है। और इस डिवाइस के पीछे की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। ईयर 1626 फ्रांस में एक चोर था जिसका नाम था पैलियोली। ये चोर रात के समय एक घर में जाता है चोरी के इरादे से, लेकिन इसको वहां पर कुछ माल नहीं मिलता तो इसको गुस्सा आ जाता है और उस घर में सो रहे कपल को ये उठाता है और पूछता है कि भैया माल कहां है। जब कपल कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है तो इसका दिमाग खराब हो जाता है और फिर ये चोर निकालता है उसके द्वारा इन्वेंट की गई डिवाइस जो था पियर ऑफ एंग्विश। और उसके बाद इस डिवाइस को वो दोनों के मुंह में डालकर खोल देता है और उसके बाद उस कपल के साथ क्या हुआ बताने की जरूरत नहीं है। मतलब कभी कभी दिमाग घूम जाता है सोच के कि लोग इतना ज्यादा कैसे सोच लेते हैं। मतलब एक टॉर्चर डिवाइस बनाने के लिए भी तो एक बहुत ही क्रूअल माइंडसेट की जरूरत होती है। एनीवे ये जो डिवाइस थी इसका पहला यूज भले ही चोर ने किया था लेकिन बाद में ये इतनी फेमस हुई कि फ्रांस में फिर इसका इस्तेमाल क्रिमिनल्स को सजाएं देने के लिए किया जाने लग गया। और सजा देते टाइम इस डिवाइस को केवल क्रिमिनल्स के मुंह में ही नहीं डालते थे, बाकी आगे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझदार हो। और ये सजाएं ऐसे अकेले में नहीं दी जाती थी, ये पब्लिकली दी जाती थी। मतलब पूरा हुजूम रहता था लोगों का, चौराहे पे बिठाल कर ऐसी सजाएं दी जाती थी। लोगों के अलग अलग छेदों में अलग अलग डिवाइस डालकर उन्हें खोल दिया जाता था ताकि लोग ये नजारा देखें और देखने के बाद लोगों के मन में इतना डर बैठ जाए कि फिर वो कभी कोई क्राइम करने की सोचें भी ना।
ये वीडियो बनाते टाइम मेरे मन में ख्याल आया था कि जो भी बंदा टॉर्चर डिवाइस को इन्वेंट करता है उसके ऊपर कितना पाप लगता होगा, क्योंकि उसकी बनाई डिवाइस से कितने लोगों को टॉर्चर किया जाता होगा। हालांकि ये सारी डिवाइसेस क्रिमिनल्स पर यूज की जाती है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि भाई क्रिमिनल भी तो इंसान है। एनीवे मैं क्रिमिनल्स का सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन अगली डिवाइस के बारे में जब मैंने स्टडी की तो मुझे अपने सवाल का जवाब मिल गया और इस डिवाइस का नाम था द ब्रेजन बुल। ये एक मेटल का सांड होता था जिसका पेट खोखला होता था। इसमें क्रिमिनल को अंदर डाल देते थे और नीचे से जलाते थे आग, और उसकी वजह से ये पूरा बुल गर्म हो जाता था और वो जो क्रिमिनल है बुल के पेट के अंदर जिंदा ही रोस्ट हो जाता था। और ये खतरनाक डिवाइस बनवाई थी फेलेरिस नाम के राजा ने, और इसको बनाने वाले का नाम था पेरिलस। और ऐसा बताया जाता है कि राजा ने इस डिवाइस का सबसे पहला ट्रायल पेरिलस पे ही कर दिया था, क्योंकि पेरिलस ने बताया था कि इस डिवाइस में एक ऐसा डिजाइन बनाया गया है कि जब कोई इंसान इसके अंदर दर्द से चिल्लाएगा तो बुल की नाक और मुंह में से ऐसा साउंड निकलेगा जैसे एक्चुअल बुल चिल्ला रहा हो। और यही चेक करने के लिए पेरिलस को इस सांड के अंदर डालकर जिंदा भून दिया गया। मतलब फेलेरिस नाम का ये राजा कितना ज्यादा डेंजरस था। पहले तो अपने डेंजरस दिमाग से उसने ऐसे बुल के बारे में सोचा, फिर उसको बनवाया और जिससे बनवाया सबसे पहले उसी को रोस्ट कर दिया। लेकिन बाद में फेलेरिस के साथ भी कुछ ऐसा हुआ जिसे कहेंगे हम कर्मा। फेलेरिस को एक युद्ध में पराजय मतलब हार का सामना करना पड़ा, और फेलेरिस को हराने के बाद दुश्मन देश के राजा ने उसी सांड में फेलेरिस को डालकर उसको जिंदा भून डाला। एनीवे अगर आपको ये सारी सजाएं देखकर भी मजा नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है कि क्रिमिनल्स को थोड़ा सा और तड़पाना चाहिए, तो चलते हैं स्पेन में, जहां पर है एक डिवाइस जिसका नाम है द क्रेडल ऑफ जुडा। ये एक ट्रायंगल पिरामिड टाइप की डिवाइस होती है जिसके ऊपर कैदी को बिठा दिया जाता है और उसके पैरों पर वजन बांध दिया जाता है, और उस वजन की वजह से कैदी धीरे धीरे नीचे आता है और वो पिरामिड उसके अंदर जाता है। और उसके बाद उस कैदी के साथ क्या होता है आप खुद इमेजिन करो, आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है, पुराने जमाने में और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स और टॉर्चर डिवाइसेस थी जो यूज की जाती थी, और इन सारी डिवाइसेस को एक वीडियो में कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट करके बताना कि क्या आप इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो। तो यार मैं तो जा रहा हूँ पानी पीने, ये सब सजाएं बताते बताते मेरा तो गला सूखने लग गया है। तुम लोग भी अपना ध्यान रखो और लाइफ में चिल मारो, और शुक्र बनाओ कि भैया तुम मॉडर्न एज में जी रहे हो। लेकिन जरा एक बार कल्पना करके देखो कि क्या होगा अगर मॉडर्न जमाने में भी इस तरह की सजाएं मिलने लग जाएंगी। मतलब ये सिनेरियो अच्छा होगा या बुरा मुझे कमेंट करके बताना जरूर, और ये भी बताना कि इन सारी सजाओं में से तुमको सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी लगी। तो यार बस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, जा रहा हूं मैं, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।